नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन, गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। कमिश्नर अमित गुप्ता की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। बिना जिलाधिकारियों के अनुमोदन के RBS के टीम का वेतन आहरित किया गया तो मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का वेतन रोकने का दिया निर्देश। गोलघर में BSNL का कटा ऑप्टिकल फाइबर का मेन केबल, हजारों ब्रॉडबैंड उपभोक्ता परेशान, जिम्मेदार झाड़ रहे अपना पल्ला। महापौर की अध्यक्षता में आयोजित हुई नगर निगम कार्यकारिणी समिति की 5वीं बैठक, विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। राज्य स्तरीय रेत शिल्प प्रतियोगिता में जूनियर और सीनियर छात्र छात्राओं ने दिखाया हुनर। सरकार की योजनाओं और प्रदूषित हो रहे पर्यावरण बिंदुओं को रेत पर उकेरा। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा बहुओं और मेडिकल ऑफिसरों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया सम्मानित। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने नगर निगम के साथ मिलकर चलाया स्वच्छता अभियान, कहा जागरूक होंगे तभी हमारा शहर होगा साफ सुथरा। 11 सूत्रीय मांग को लेकर नरमू ने दिया धरना, कहा स्वच्छ भारत अभियान पर करोड़ों रुपए हो रहे हैं खर्च, लेकिन स्वच्छता अभियान से दूर है रेलवे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह ने विजयी प्रतिभागियों का कॉलेज में हुआ सम्मान, राष्ट्रपति के हाथों कॉलेज के एक शिक्षक और छात्रा को मिला था गोल्ड मेडल। 11 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने BSA कार्यालय के समक्ष दिया धरना, किया प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं होने पर 20 को प्रयागराज में धरना देने की दी चेतावनी। संजय वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक सचिन तेंदुलकर बुक ऑफ रिकॉर्ड एवं इंडियन प्राउड का हुआ विमोचन। पुरानी पेंशन बहाली सहित 5 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने दिया धरना। जलकल विभाग के ठेकेदार हुए लामबंद, भुगतान न होने पर किया कार्य बहिष्कार, आपातकालीन स्थिति में ही करते हैं कार्य। और नगर निगम परिसर में बन रहे लाइट एंड साउंड फाउंटेन का नगर मजिस्ट्रेट और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने लिया जायजा, महानगर वासियों के मनोरंजन का बन रहा नया स्थल। अब समाचार विस्तार से। कमिश्नर अमित गुप्ता ने आयुक्त सभागार में मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के कार्यों में महाराजगंज में असंतोष स्थिति होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महाराजगंज प्रधानमंत्री आवास योजना में कम संख्या में लाभार्थियों को प्रथम किश्त जारी करने, मुख्य विकास अधिकारी कुशीनगर को चेतावनी जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित रूबेला टीकाकरण में गोरखपुर को प्रदेश में अच्छे स्थान पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त किया। कमिश्नर ने निर्देश दिया कि जिन मदरसों और विद्यालयों में टीकाकरण को लेकर गतिरोध है वहां बैठक करके गतिरोध को समाप्त किया जाए। कमिश्नर ने स्वास्थ्य विभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान सोहगी बरवा में CHC के निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति न होने की जानकारी पर UPPCL के अभियंता को चेताया कि आगामी बैठक तक कार्य में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ तो प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी जाएगी। देवरिया में बनने वाले मेडिकल कॉलेज की समीक्षा के दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था से कार्यों की जानकारी ली तो पाया कि अभी मात्र टेंडर की प्रक्रिया ही की गई है। इस पर उन्होंने कार्यदायी संस्था को अन्य कार्यों के साथ में कराने के निर्देश का अनुपालन न करने पर चेतावनी जारी किया। कमिश्नर ने आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि समय से चिकित्सालयों के भुगतान को सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने RBSK की टीम के विद्यालयों आंगनवाड़ियों में जाकर बच्चों की जांच की। समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि अगर विद्यालयों आंगनवाड़ी में बच्चों की उपस्थिति कम रही तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि अगर बिना जिलाधिकारी के अनुमोदन के RBSK टीम का वेतन आहरित किया गया तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी का वेतन रोक दिया जाएगा। कमिश्नर मुख्यमंत्री समग्र ग्राम मनरेगा छात्रवृत्ति वितरण राष्ट्रीय आजीविका मिशन पाइप पेयजल योजना आधार सीडिंग धान खरीद में किसानों की भुगतान की स्थिति नई सड़कों के निर्माण गड्ढा मुक्ति सेतु निर्माण अमृत योजना स्वेटर वितरण मुसहर बस्तियों में विभिन्न योजनाओं के लाभ दिलाने एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि विद्यालय समय में
कोई भी शिक्षक बेसिक शिक्षा कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर ना आए तथा मंडलीय अधिकारी तहसील दिवस में जाएं। बैठक में गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, देवरिया के अमित किशोर, महाराजगंज के अमरनाथ उपाध्याय, कुशीनगर के डॉक्टर अनिल सिंह सहित संबंधित जिलों के मुख्य विकास अधिकारी गण एवं मंडल के अधिकारी उपस्थित रहे। जिला स्तरीय कमेटी से कौन 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 स्टोर्स थे वो भी है, बाकी हम कार्रवाई उसे कभी नहीं है। नीलामी में शामिल कर दीजिए, उसपे एडजस्ट हो जाएगा, अलग अलग करेंगे। तोड़ने का खर्चा तो हमने एस्टीमेट में ले लिया, 84 लाख वो तो अप्रूव्ड है। महानगर के गोल घर में टेलीफोन का ऑप्टिकल फाइबर की 96 पेयर का मेन केबल कट जाने के कारण हजारों उपभोक्ताओं को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। जिसे ऑनलाइन काम करना है वो सबसे अधिक प्रभावित है। आज के दौर में लोग सारा काम ऑप्टिकल फाइबर के ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेकर करते हैं। ऐसे में मंगलवार की रात में अंडरग्राउंड बिजली के केबल डालने वाले ठेकेदारों ने टेलीफोन का महत्वपूर्ण केबल को काट डाला। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज ने जब BSNL के अधिकारियों से बात किया तो उन्होंने अपना ठीकरा बिजली विभाग पर फोड़ते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए और कोई समय सीमा कि कब तक कटी हुई फाइबर को रेस्टोरेशन होगा नहीं बता पाए, जिससे लगता है कि अभी 1-2 दिन और हजार उपभोक्ता को परेशान रहना पड़ेगा। आपको बताते चलें कि आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में परेशान उपभोक्ता अपने व्यवसाय और काम को देखते हुए दूसरे कंपनी का ऑप्टिकल फाइबर का ब्रांड बैंड कनेक्शन ले सकता है। ऐसी सूरत में BSNL को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो उसके लिए घातक सिद्ध होगा। वैसे आए दिन BSNL के कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों को लेकर हड़ताल करते रहते हैं, लेकिन इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी को आम उपभोक्ताओं को सेवाएँ देना हो तो लाल फीताशाही आड़े आती है। गोरखपुर न्यूज़ इस मुद्दे को जिम्मेदारी से उठा रहा है और इस समस्या की जानकारी कैमरे के सामने देने से BSNL के बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ पैर फूल रहे हैं। नगर निगम कार्यकारिणी समिति की 5वीं बैठक बुधवार को महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सर्वप्रथम कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने जिलाधिकारी एवं प्रभारी नगर आयुक्त के विजेंद्र पांडियन को अपना परिचय दिया। उसके बाद नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की प्रभारी एवं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा ने अपना परिचय दिया। तदुपरांत बैठक गत एजेंडे की पुष्टि के साथ प्रारंभ हुआ। कार्यकारिणी ने जनहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में उपसभापति जितेंद्र सैनी, जिलाधिकारी एवं प्रभारी नगर आयुक्त के विजेंद्र पांडियन, नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की प्रभारी एवं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त DK सिन्हा, कार्यकारिणी समिति के सदस्य और नगर निगम के विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। ठीक है, जैसा हम लोग को इंतजार
कभी अपना जिलाधिकारी महोदय को परिचय देना चाहें। विजय सिंह श्रीवास्तव हुआ राधेश्याम राव उत्तरी देवेंद्र गौड़ पार्षद सिंह विजय यादव दाव अशोक यादव वार्ड नंबर 47 कौन सी लगा रायगढ़ घंटाघर साहब अंसारी वार्ड नंबर 51 इस्माइलपुर पार्टी वार्ड नंबर 21 जी बेटी हाथ नमस्ते आकांक्षा राणा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभी प्रभारी सफाई और कर वसूली नगर निगम। बाकी आप परिचय है सभी लोगों से अब गत बैठक का कार्रवाई का पुष्टि ये पिछले जो कार्रवाई 12/2018 की बैठक थी सर इसमें मैं पढ़ना बैठक दिनांक 12/2018 एजेंडे के अनुसार प्रारंभ की जाती है। प्रथम दिन जो कार्यकारिणी समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 3/18 की कार्रवाई पर विचार सूचित प्रदान कर रहे हैं। श्री अशोक यादव जी गत बैठक में कर्मचारियों और माननीय पार्षद के बीच विवाद को सुलझाने से जो कमेटी गठित की गई उसमें एक अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य को भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि माननीय महापौर जी द्वारा विचार का पुनः निर्णय लिया जाए। श्री शाह अंसारी कृपया अवगत सदस्यों को अवगत कराया जाए। श्री विजय सिंह वित्तीय वर्ष 2011-12 में कितना धन निगम को विभिन्न मदों से प्राप्त राज्य स्तरीय रेत शिल्प प्रतियोगिता 2018 के 11वीं प्रस्तुति का आयोजन आयोजक भास्कर विश्वकर्मा डॉक्टर विवेक चौधरी संत किशोर चौहान और सुशील गुप्ता द्वारा बुधवार को राजघाट स्थित राप्ती नदी के किनारे आयोजित हुई। रेत शिल्प प्रतियोगिता का विषय उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास पर था। प्रतियोगिता में रेत पर प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने भारतीय संस्कृति स्वच्छ वातावरण सहित सामाजिक वेशभूषा को प्रदर्शित किया। रेत शिल्प प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महापौर सीताराम जायसवाल ने छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए चित्रों को देखा और कलाकृतियों को सराहते हुए कहा कि बच्चों ने जो कलाकृतियां रेत पर बनाई हैं वो सराहनीय हैं। इसमें भारत की संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। आने वाले पीढ़ी को हम कैसे स्वच्छ वातावरण दे सकते हैं इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी सोच प्रस्तुत किया है। प्रतियोगिता में 16 सीनियर और जूनियर विद्यालयों की 250 प्रतिभागियों प्रतिभाग किया। निर्णायक मंडल ने बालिका पीजी कॉलेज सिद्धार्थ नगर के प्रवक्ता डॉक्टर विजय प्रताप यादव मूर्तिकार सुशील गुप्ता शिक्षक जुबली इंटर कॉलेज कला विभाग के रामदास यादव ने अपना योगदान दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रतियोगी छात्र छात्राएं शिक्षिका और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा तुम्हारी इसी तरह से आपको दंड लगेगा तो ना बातचीत करो अच्छे हैं और ये विकास सेकेंडियर वालों के साथ पूछा ये बता चलिए थी अगर ये नहीं रहेगी तो हमारी सेना हमारी पूरा प्रदेश उत्तर प्रदेश पूरा देश विकास नहीं करेगा वो और भी कठिनाइयों की ओर घुसता है। ये सोचना नहीं है आप लेके आते नहीं भारत
अमरीश दुबे, मैं एलपीएम पब्लिक स्कूल से हूँ और मेरा मोटिव यही है कि पूरे देश को प्रगतिशील और गतिशील बनाना। ऐसे हमने पार्लियामेंट को शो किया है, जो पार्लियामेंट का वर्क यही होता है किला को गवर्न करना, मतलब उसका मेन कारण होता है कि हमारी कंट्री डेवलप कैसी हो सकती है। और उसके लिए मैंने एक टाइगर का यूज किया है, जो हमारे डायरेक्ट रिलेशन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनसे है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो एक इस देश के मुख्य किंग हैं। जैसे टाइगर किंग होता है अपने एरिया का, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर जी जो हमारे हैं वो एक किंग हैं। और अगर उनको अगर स्वच्छ और गतिशील बनाना है तो पहली बात उन्हें है कि हमारे देश में जो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं, जैसे गंदगी की, उन्होंने कैंपेन चलाया था स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। और अगर भारत स्वच्छ और स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो हमारा देश कभी विकासशील हो ही नहीं सकता है। और मैंने एक जीवाणु का उदाहरण देकर किया, एक मनुष्य से मैंने जीवाणु का रिलेशन बनाया। जैसे एक जीवाणु है वो एक दिन में एक बार में 40 अंडे देता है, लेकिन वो तो मनुष्य है, वो जीवाणु है, उसकी सोच नहीं है। लेकिन हमको तो सोच है ना, हम तो अपने पॉपुलेशन को, अपनी जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस कंट्रोल द्वारा इस, क्योंकि पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या है, और अगर जनसंख्या कंट्रोल ही नहीं होगी तो हमारा देश कभी विकासशील गतिशील बनेगा ही नहीं। और जैसे आप सामने यही देख सकते हैं, ये नदी पीछे बह रही है, इतनी गंदी नदी है कि बताइए, अगर मनुष्य फिल्टर आर ओ लगवा सकता है वो कुछ कर सकता है, लेकिन जानवर तो फिल्टर आर ओ लगवाएंगे नहीं ना, वो तो इनका तो स्रोत यही है पानी पीने का। और जब यही स्वच्छ नहीं होगा तो जानवर ही नहीं रहेंगे तो हमारा स्रोत भी नहीं है, तो यही इसीलिए हमारा स्रोत खत्म हो जाएगा। तो अगर इसको सबसे मेन है कि वाटर को स्वच्छ करना, पानी को स्वच्छ करना। देखिए इतना कूड़ा कचरा रहेगा तो जानवर तो कभी पानी पियेंगे ना, इसमें से देखने पर भी कुछ गंदगी, इतनी गंदगी दिख रही है कि कहिए मत। बस यही मेरा मुख्य कारण था, धन्यवाद। मेरा नाम निर्भय प्रताप है और मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ राजकीय जुबली इंटर कॉलेज से। आज हम लोग यहाँ पे राज्य स्तरीय रेत शिल्पकला प्रतियोगिता में प्रतिभाग किए हैं, और जिसके विषय में हम लोगों ने यहाँ पे सेना को दिखाया हुआ है, जो देश में हमारी सीमा पर रह के बहुत सारा योगदान दे रही है, जिसकी वजह से हमारे देश और हमारे प्रदेश का विकास हो रहा है। इसमें हम लोगों ने एक टोपी दिखाई है जो सेना को दर्शा रही है, और बंदूकें दिखाई हैं, और मोर का उपयोग किया जो राष्ट्रीयता पशु है, जो हमारे राष्ट्रीयता को दिखा रहा है। ये रेत शिल्प प्रतियोगिता है जो गोरखपुर में राज ललित कला अकेडमी की तरफ से ये इस समय संयोजक भास्कर विश्वकर्मा जी हैं वो करा रहे हैं, और यहाँ पे करीब कई टीम्स हैं, जूनियर वर्ग अलग है, सीनियर वर्ग अलग है, और मेरे यहाँ के भी बच्चे CIDPG कॉलेज गोरखपुर महाविद्यालय से बच्चे आए हुए हैं, और वो अध्यात्म में आधारित रेत शिल्प बनाए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए पहली बार रेत शिल्प यहाँ
जाप्ती नगर पे आके काम करना इनके लिए मुश्किल थी, लेकिन चूंकि गोरखपुर के विकास की बात है तो जब तक हम अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, और गोरखपुर को लोग जानते भी हैं कि यह गोरखनाथ मंदिर और योगी जी और अध्यात्म से बेहतर जुड़ा हुआ है, तो बच्चों ने उन्हीं को थीम बना के कि हमारा अध्यात्म अगर रहेगा तो गोरखपुर का सर्वांगीण विकास अपने आप हो जाएगा। जी, मैं रूबी पांडे सेंट जेवियर्स स्कूल की टीचर हूँ, ठीक है। और हम यहाँ राज्य स्तरीय रेत शिल्प प्रतियोगिता गोरखपुर में आए हुए हैं, राजघाट पुल के पास, ठीक है। और हमारा थीम है, पहले तो है हमारा ये जो है वो अर्थ सेव, अर्थ के बारे में है, जिसे सेव प्लैनेट, जिसे हमारे पृथ्वी को कैसे सेव किया जा सकता है, पॉल्यूशन फ्री कैसे रखा जा सकता है, ठीक है। और दूसरा है हमारा GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, यानी पूरे देश में एक समान कर को लागू करना, ताकि अगर हम कोई कहीं भी आयात और निर्यात करते हैं तो हमें किसी प्रकार की इस तरह की असुविधाएं ना हो। टैक्स लेके जो लोगों के प्रति मतभेद चल रहा था, जो जागरूकता नहीं थी, उन्हें अतिरिक्त टैक्स देना पड़ रहा था, उन चीज़ों के बारे में हम अच्छे से कर सके और टैक्स फ्री एक जो होता है हमारा उत्पाद जो होता है वो हमें मिल सके। देखिए, छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही सीनियर और जूनियर बच्चों ने जो अपनी कलाकृतियाँ रेत पर बनाई है, ये बहुत ही सराहनीय है। इसमें भारत की संस्कृति और उत्तर प्रदेश की संस्कृति, गोरखपुर की संस्कृति की झलक दिखाई पड़ती है। बच्चों ने वाटर अर्थ को हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी को हम कैसे इसे शुद्ध रूप में दे सकते हैं, इसके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी सोच की है। और ये भी दिखाया है कि हमारे देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। मोदी जी ने जो योजनाएं गरीबों के लिए दी है, मकान बनाने की, सबको मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहे हैं, बिजली कनेक्शन मिल रहे हैं, तरह तरह की अपनी सोच बच्चों ने प्रदर्शित की है। इससे इनकी प्रतिभा का अपना प्रदर्शन किया है ये बच्चों में। यह जो संस्था कर रही है, मैं उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बच्चे जब अपने मन की भावनाओं को रेत पर व्यक्त करते हैं तो उनके अंदर ऊर्जा का संचार होता है और वो भारत के विकास में अपना सहयोग देने के लिए अपने को तैयार करते हैं। यहाँ बच्चों ने धार्मिक, जैसे हमारा कुंभ है, हमारा वाराणसी का दशाश्वमेध घाट है, उसका भी उन्होंने चित्रण किया है। मैं इनको अपने तरफ से प्रकृति को बचाने को, डेवलपमेंट को दिखाने को और वाटर को सुरक्षित रखने के लिए, अर्थ को सुरक्षित रखने के लिए जो अपनी सोच रेत पर व्यक्त की है, इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। मैं इस संस्था को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं सफल कार्यक्रम के लिए, और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज गोरखपुर में अच्छा कार्य करने वाली आशा बहुएं PCPM, BMPM, DPM और उन सभी मेडिकल ऑफिसरों को जहां पर ज़्यादा अच्छा कार्य हुआ है, उनको सिप्सा और ज़िला चिकित्सालय की तरफ से बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK तिवारी ने सम्मानित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK तिवारी ने कहा, हाँ, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज गोरखपुर में जिन्होंने उत्कृष्ट का अच्छा कार्य किया है, उसको सिप्सा की तरफ से और हमारे प्रोग्राम की तरफ से हम दोनों ने मिलकर उन कार्यकर्ताओं को, जिसमें आशा, BCPM, BPM, DPM और उन मेडिकल ऑफिसर्स को जहाँ पर ये ज़्यादा अच्छा कार्य हुआ है, उनको आज सम्मानित किया गया है। और इसमें कई कार्यक्रम लिए गए थे चुनाव के लिए। पहला था PPIOCD, ये वो है इंट्रायुट्राइन डिवाइस जो कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी लगाई जाती है। उसमें तकरीबन 12 लोगों को पुरस्कृत किया गया है।
इसी तरह जिन PSCs या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वीमेन को भी सम्मानित किया गया है कि जहां पर PPICD सबसे अधिक लगाया गया है, जिससे कि हम स्टेट में बहुत अच्छी पोजीशन पे। दूसरा, जिन्होंने महिला नसबंदी अच्छी कराई थी उन आशाओं को जिन्होंने प्रेरित किया था, और उन ANMs को जो लेके आई थी, और उस सर्जन को भी जिसने ऑपरेशन किए हैं, उन सबको भी सम्मानित किया गया नसबंदी के, मतलब फीमेल स्टरलाइजेशन। मेल स्टरलाइजेशन जो कि डिफ़िकल्ट माना जाता है, मोटिवेशन बहुत मुश्किल होता है, उसमें भी हमारी तीन आशाओं ने मोटिवेट करके, एक ने तीन, एक ने दो और एक ने एक केस कराया था, तो उन्हें भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड की प्राइज़ दी गई, क्योंकि मेल मोटिवेशन बहुत मुश्किल होता है। अभी तक जनपद में 36 मेल स्टरलाइजेशन हुआ है, जिसमें तीन, दो और एक को, पांच स्टरलाइजेशन उनके सहयोग से, जो हमारा अभी ये वीक वो बल्कि फॉर्टनाइट चल रहा था, NSP फॉर्टनाइट, उसके दरमियान उन लोगों ने कराया, उन्हें भी सम्मानित किया गया। और तीसरा, हम लोगों ने ये देखा था कि ओवरऑल कौन सी आशा बढ़िया काम कर रही है, किस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, कौन हमारा MOIC अच्छा कार्य कर रहा है, और कौन हमारे जो NHM से उस कार्यक्रम को देखने वाले जो हमारे गाइड करने वाले लोग हैं, कौन अच्छा काम कर रहे हैं, तो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को जोड़ते हुए उन्हें भी सम्मानित किया गया। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत नगर निगम तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में महानगर के विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई किया गया। शास्त्री चौक स्थित BSNL के कार्यालय के समक्ष सेंट एंड्रयूज कॉलेज के स्वयं सेवकों ने साफ सफाई की तथा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की प्रभारी एवं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा, NSS के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर केशव सिंह सहित अन्य शिक्षक और NSS के स्वयंसेवक मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्वयंसेवकों और टीचर ने कहा, स्वच्छ भारत गंदगी, ये लोग फैला रहे हैं, इनका भी हाथ है, हमारा भी हाथ है, लेकिन ये लोग कुछ अगर ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो हमें भी लगेगा तो हम और साफ करेंगे। सब लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन ये लोग शुरुआत करते हैं थोड़ी, तो हम लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर ये साफ करेंगे तो हम और गंदा नहीं करेंगे, अगर ये हमें डांटेंगे यहाँ पे गंदगी करने से तो भी हम रुक जाएंगे ना। श्रेया त्रिपाठी, इससे हम लोग स्वच्छता का संदेश देना चाहते हैं, हमारे शहर, हमारे आस पड़ोस को हम स्वच्छ रखना चाहते हैं।
हम बनाऊंगा ना एक ये पेंटिंग बना के स्वच्छ भारत का संदेश दिया। मेरा नाम रमशा खान है। आज हमारा मिशन था कि हमारा गोरखपुर या हमारी पूरी कंट्री साफ रहे, तो वो पूरा प्रूफ है कि हमने इतनी बड़ी पॉलीथीन में सारे कलेक्ट किए हैं, वहाँ पे भी प्रूफ है हमारा। और हमारा ये है कि हमारे जो PM है उन्होंने निकाला स्वच्छ भारत मिशन। वैसे तो हमारा बहुत दिनों से चला आ रहा है, मगर स्वच्छ भारत मिशन ये है कि हम अपने भारत को साफ रखें। भारत क्या, पहले हम अपना घर साफ रखें, अपना मोहल्ला साफ रखें, अपनी सिटी रखें, तो अपना भारत हमारा साफ होगा। और हमारा मेन मिशन ये है कि हमारा जो ट्री का मिशन ये है कि ग्रीनरी रहे हमारा, अगर साफ रहेगा, साफ सफाई रहेगी, उतनी ग्रीनरी रहेगी और उतना ही हमारा मतलब प्रॉब्लम्स होती है, जितनी भी ऑक्सीजन से प्रॉब्लम रिलेटेड होती है, तो जितना प्लांट ग्रो होगा उतनी हमें ऑक्सीजन मिलेगी और हमारा एनवायरनमेंट स्वच्छ और हेल्दी रहेगा। थैंक यू। अभियान चल रहा है जिसमें हम लोग नगर निगम का सपोर्ट कर रहे हैं और ये हमेशा नगर निगम को चलाना चाहिए क्योंकि अधिकतर जो हमारे NSS वॉलंटियर हैं इसमें सपोर्ट करते रहते हैं नगर निगम को और ये हमेशा करना चाहिए। स्वच्छता अभियान है इसमें नगर निगम का हम सहायता कर रहे हैं ताकि सफाई हो सके, नियंत्रण हो सके। अगर भारत का एक एक नागरिक सफाई पर ध्यान देगा तो इस प्रकार की गंदगी शायद ना ही हो। तो ये ज़रूरी है कि भारत के हर नागरिक को अपना कर्तव्य समझना चाहिए कि स्वच्छता अभियान रैली क्यों चलाई जा रही है और ये स्वच्छता अभियान क्यों किया जा रहा है। ये हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को जो है वो अपने देश को, अपने शहर को साफ रखना चाहिए और NSS के माध्यम से हम लोग स्वच्छता का जो है वो मिशन भी और क्या कहते हैं साफ सफाई के साथ सुंदरता भी, ये पेंटिंग करके हम लोग जो है वो ये दिखाना चाहते हैं कि स्वच्छता के साथ साथ सुंदरता का भी ध्यान रखें ताकि हमारा शहर जो है वो स्वच्छ के साथ साथ सुंदर भी हो जाए। स्वच्छ गोरखपुर, सुंदर गोरखपुर अभी आज कई जगहों पर किया जा रहा है NSS के माध्यम से। अभी क्या कहते हैं वहाँ पर ये दाऊदपुर काली मंदिर के पास भी चल रहा है और चेतना तिराहे गोलघर पे और इंदिरा बाल विहार पे, इसके अलावा कुछ अन्य जगहें भी हैं जहाँ पर ये कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है NSS के माध्यम। एनी रेलवे मजदूर यूनियन के तत्वावधान में एनी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री KL गुप्ता और केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी के नेतृत्व में बुधवार को यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर प्लेटफॉर्म परिसर पर धरना प्रदर्शन किया। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से कर्मचारियों को शिक्षा शुल्क, यात्रा भत्ता, ओवरटाइम और रात्रि अलाउंस का भुगतान विगत लंबे समय से नहीं हो रहा है, जिसे कर्मचारियों में व्यापक असंतोष है। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत करोड़ों रुपए खर्च करके गांव तथा देहात में शौचालय बनवा दिए, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी के नाम से जाने जाने वाले जो लोग गेटों पर गेटमैन के रूप में कार्य करते हैं उनके गेटों तथा गैंग हटों पर शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए नरमो के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी, लखनऊ मंडल के अध्यक्ष SP सिंह और यूनियन के महामंत्री KL गुप्ता ने कहा, साथ में। हमारी 11 सूत्री मांग है और इन मांगों को लेकर के हम महामंत्री कॉमरेड KL गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोग पहले भी CPO से, FNCO से अपनी मांगों को ले, जो हमारी ट्यूशन फीस है, NDA है, TA है और OT है, इनका भुगतान पिछले 5 महीने से नहीं हो रहा है और हम लोग बार बार इस चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा
ये तो आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ बजट आ रहा है, बजट खत्म हो गया है, लेकिन आज तक इन चीज़ों का भुगतान कर्मचारियों को नहीं हो रहा है और कर्मचारी अपने जेब से पैसा खर्च करके 12 घंटे ड्यूटी लगातार हो रही है और डबल रेस्ट नहीं दिया जा रहा है, ना ऑपरेटिंग में ना और ना उसके एवज में ओवर टाइम दिया जा रहा है, सब 4 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं। और हम लोग बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं, जीएम आदेश निकाल रहे हैं, रेलवे बोर्ड आदेश दिया हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंट कहीं नहीं हो रहा है उसका। तो अब उस वक्त आज स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पूरे गांव में आप जगह जगह शौचालय बनवा रहे हैं, लेकिन जितने भी गैंगहट हैं, जो भी गैंगों के जो क्वार्टर बने हुए हैं, जो जहां पर जो आपके गेटमैन हैं, उन गेटों पर एक भी शौचालय नहीं है। आप बताइए, वो सवेरे सवेरे आबादी के बीच में बोतल लेकर के लैट्रिन जाने के लिए बाध्य है। आज वो जो है केंद्रीय कर्मचारी है वो, और 2500-25,000 रुपए आप वेतन दे रहे हैं उसको, और वो सवेरे लैट्रिन के लिए मारा मारा फिर रहा है। अब बताइए, अगर गेट पर लेट हो जाए, घंटी बज जाए, तो सस्पेंड कर दीजिए आप। काहे लिए कि नेचुरल काल के लिए गया हुआ था, कहीं भी नेचुरल काल के लिए उसके कहीं लैट्रिन नहीं बनी हुई है। इन चीज़ों को लेकर के हम लोग बराबर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कहता तो है, आश्वासन देता है, लेकिन देता कुछ नहीं है। वो भी मोदी जी की तरह खाली हम लोगों को आश्वासन दे रहा है। महामंत्री जी करिए गुप्ता जी से जी, आगे क्या होगा? और देखिए, आज धरना दिया है, जीएम को ज्ञापन देंगे, ये हमारा 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन है, और अगर इसके बावजूद भी नहीं होता तो हम लोग क्रिमिनल कंसर्न करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। ये 103 साल के हमारे महामंत्री हैं, हम इनके नेतृत्व में भूख हड़ताल करेंगे जीएम के दफ्तर के सामने। क्या कर्मचारियों की मांगे नहीं पूरी होंगी तो आखिर हम क्या करेंगे? संघर्ष तो करेंगे ही ना, हमारे पास और कोई तो है नहीं, गोला बारूद तो हमारे पास है नहीं, लोकतांत्रिक जो तरीका है उसी तरीके से हम संघर्ष करेंगे। मैं लखनऊ मंडल का मंडल अध्यक्ष एसपी सिंह, अभी हमारे क्रू कंट्रोलर डीजल लाबी पे हमारे मालगाड़ी के ड्राइवरों को जबरिया रोजा एलआर पे भेजा जा रहा है, जबकि रोजा के लिए गुना के लोको पायलट को भेजा जाना चाहिए, यह विडंबना है, और जिससे हमारे सारे लोको पायलट कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है, और इसको लेके हम लोग एक दिन भूख हड़ताल भी डीजल लॉबी पे करने वाले हैं। अभी हम लोग बहराइच में अपने दौरे पे देखे, आपको भी मालूम होगा कि मूर्तिहा और ककरा रेस्ट हाउस में घनघोर भीषण जंगल है, वहाँ पे 12 गैंग, एक गैंग में 12 के जगह पे दो दो तीन तीन ट्रैकमैन काम कर रहे हैं, उनके लिए बिजली पानी और शौचालय की व्यवस्था नहीं है। मतलब मोदी जी के जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है उससे रेल हमारा मतलब एकदम कट गया है, वंचित है। रेल में ट्रैकमैनों के गैंगहेडों पे कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सबसे खराब स्थिति, सबसे खराब जीवन यापन मूर्तिया और ककरा रेस्ट हाउस के जंगलों में हमारे ट्रैकमैन साथी और स्टेशन मास्टर भुगत रहे हैं। इस पे रेल मंत्रालय को और महाप्रबंधक को ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद। मांग जो जो डीए बच्चों का ट्यूशन फी के कहते हैं ड्यू है, एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, पेमेंट होना है, लेकिन बजट नहीं है, बजट अवेलेबल नहीं है, इसलिए पेमेंट रुका हुआ है। और लखनऊ डिवीजन ने एटीओ ने सर्कुलेट किया सीनियर सबॉर्डिनेट को कि जब तक फंड नहीं आ जाए तब तक आप कोई एप्लीकेशन मत दीजिए, पेमेंट नहीं होगा। इसी तरह से ट्रैकमैनों का रिस्ट्रक्चरिंग है, 10%, 20%, 20%, 50% बोर्ड ने तय कर लिया, फैसला हो गया, तब भी आर्डर निकलता ही है। उसी लाइक में रनिंग अलाउंस का जो अलाउंस रेलवे बोर्ड के मीटिंग में फैसला हो गया कि दिया जाए बड़ा हुआ अलाउंस, लेकिन आर्डर निकलता ही नहीं, लेकिन आर्डर होने के निकले नहीं, फैसला हो जाए तो उसके लिए यही फ्लाइट करने का मीटिंग करें, धरना करें, अट्रैक्शन करें, दिमाग में यही ना, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसके अलावा तो ये धरना उसी से एक्सपेडाइट करने के लिए, उन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, मेमोरेंडम दे करके उनको अपने अपने पीड़ा को बता देने के लिए ये आज का धरना संकेतित यही है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। कमिश्नर अमित गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, बिना जिलाधिकारियों के अनुमोदन के आरबीएस के टीम का वेतन आहरित किया गया तो मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का वेतन रोकने का दिया निर्देश। गोलघर में बीएसएनएल का कटा ऑप्टिकल फाइबर का मेन केबल, हजारों ब्रॉडबैंड उपभोक्ता परेशान, जिम्मेदार झाड़ रहे अपना पल्ला।
महापौर की अध्यक्षता में आयोजित हुई नगर निगम कार्यकारिणी समिति की 5वीं बैठक, विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। राज्य स्तरीय रेत शिल्प प्रतियोगिता में जूनियर और सीनियर छात्र छात्राओं ने दिखाया हुनर। सरकार की योजनाओं और प्रदूषित हो रहे पर्यावरण बिंदुओं को रेत पर उकेरा। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा बहुओं और मेडिकल ऑफिसरों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया सम्मानित। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने नगर निगम के साथ मिलकर चलाया स्वच्छता अभियान। कहा, जागरूक होंगे तभी हमारा शहर होगा साफ सुथरा। 11 सूत्रीय मांग को लेकर नरमू ने दिया धरना। कहा, स्वच्छ भारत अभियान पर करोड़ों रुपए हो रहे हैं खर्च, लेकिन स्वच्छता अभियान से दूर है रेलवे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह ने विजयी प्रतिभागियों का कॉलेज में हुआ सम्मान। राष्ट्रपति के हाथों कॉलेज के एक शिक्षक और छात्रा को मिला था गोल्ड मेडल। 11 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीएसए कार्यालय के समक्ष दिया धरना। किया प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं होने पर 20 को प्रयागराज में धरना देने की दी चेतावनी। संजय वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक सचिन तेंदुलकर बुक ऑफ रिकॉर्ड एवं इंडियन प्राउड का हुआ विमोचन। पुरानी पेंशन बहाली सहित 5 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने दिया धरना। जलकल विभाग के ठेकेदार हुए लामबंद, भुगतान न होने पर किया कार्य बहिष्कार, आपातकालीन स्थिति में ही करते हैं कार्य। और नगर निगम परिसर में बन रहे लाइट एंड साउंड फाउंटेन का नगर मजिस्ट्रेट और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने लिया जायजा। महानगर वासियों के मनोरंजन का बन रहा नया स्थल। अरकम सी ट्रेवल्स आरे खान मार्केट के निकट मदीना मस्जिद रेती चौक आपके लिए लाए हैं उमराह का खूबसूरत मौका। आप घर बैठे ही उमराह की सारी तैयारियां कर सकते हैं, वो भी बेहद कम खर्चों में। साथ ही ट्रेवल एजेंसी की तरफ से तोहफे में हर हाजी को 3 बैग और 1 एहराम दिया जाएगा। चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। ऐशप्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं से युक्त आपके गोरखपुर शहर में मॉड्यूलर आईसीयू, एनआईसीयू और डायलिसिस की विशेष सुविधा। साथ ही हमारे यहां पर हैं जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन, हृदय रोग विशेषज्ञ, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी की भी उत्तम व्यवस्था। हमारी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर सोना घोष इनफर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के माध्यम से निसंतान दंपतियों के लिए IVF, ICSI, IUI लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर विधि द्वारा संतान सुख प्राप्त करें और सिटी स्कैन, 2D इको और पेसमेकर लगाने की उत्तम व्यवस्था। तो संपर्क करें डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर, रेल विहार, मेडिकल कॉलेज रोड, चरगावा, गोरखपुर। हेल्पलाइन नंबर 7706900028। Thank you.
बात करके देखते हैं ना, बात करनी चाहिए बात। अमू बात बात ऐसी है कि एक बार बात करना चाहता हूं मैं तुमसे, बात तो कर सकते हैं ना हम लोग। अब मुझे ऐसा लगता है अमृता कि होता है, हो जाता है, समझता बेटर है। मैं क्या कह रहा था, अमू तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, कभी ना कभी तो बात करनी थी, नहीं टाइम आ गया है, हमें बात करनी चाहिए। हाँ है ना पापा। हाँ किससे बात कर रहे हो? अम्मू किसी से नहीं, ओ वो मेरी अम्मू अब बड़ी हो गई है ना, तो इसलिए मैं कोई भी बात मुश्किल नहीं, बस शुरू करने की देर है। इस डॉटर्स डे लेट्स टॉक पीरियड्स। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह ने दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के करीब 90 छात्र छात्राओं को पुरस्कार और छात्रवृत्ति मिला है। इसमें कॉलेज के एक शिक्षक और एक छात्रा को राष्ट्रपति के हाथों गोल्ड मेडल मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। इसी के मद्देनजर बुधवार को कॉलेज के सभागार में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अतिथि प्रमंत नाथ मिश्रा और कॉलेज के प्राचार्य शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, पथ संचलन के लिए बच्चों ने भूमिका निभाया और एक तरह से बिल्कुल जिसको कमाल कहते हैं प्रतियोगिता बालिकाल पट्टी बालक पर जिष्ट शिक्षा का इंद्रेश ऐश्वर्या पाल अंबिका संस्थापक समारोह का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें जो बच्चे वहाँ उपस्थित नहीं हो पाए थे और नियोगिता छात्रवृत्ति और कई पुरस्कार उनके जो विद्यालय के माध्यम से उनको बटना था, आज उस कार्यक्रम का आयोजन है जिसमें सभी बच्चे जो पुरस्कार पाए हैं और जो वहाँ पहुँच नहीं पाए थे क्योंकि हम सुरक्षा और समय सीमा में बंधे हुए थे, इसलिए सभी विद्यालय के समस्त बच्चों का वहाँ पर उपस्थिति नहीं हो पाई थी, तो आज उन सभी बच्चों के साथ उस कार्यक्रम के अनुभव का साझा होगा और बाकी पुरस्कार प्रतियोगिता छात्रवृत्तियों का वितरण होगा। ये जो संस्थापक सप्ताह समारोह 2018 को 10 तारीख को मुख्य महोत्सव का कार्यक्रम हुआ है, उसमें हमारे महाविद्यालय के तकरीबन 90 विद्यार्थियों को पुरस्कार और छात्रवृत्तियां मिली हैं। साथ ही साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि हमारे एक शिक्षक को गोल्ड मेडल और एक एमकॉम प्रीवियस की विद्यार्थी करिश्मा वारसी को गोल्ड मेडल माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा पुरस्कार स्वरूप मिला है, ये हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। इसलिए आज ये
सम्मान समारोह मनाकर अपने विद्यार्थियों को उत्साहित करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। अपनी 11 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जिला इकाई के कर्मचारियों ने जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। प्रदर्शन का नेतृत्व संघ के जिला अध्यक्ष भक्त राज राम त्रिपाठी ने किया। प्रदर्शन कर रहे संघ के कर्मचारियों का कहना था कि सरकार द्वारा शिक्षकों की मांगों की अनदेखी की जा रही है, जिसमें अंतर जनपदीय शिक्षकों के स्थानांतरण, शिक्षकों की प्रोन्नति सहित 11 मांगे लंबित हैं। शिक्षकों का कहना था कि अगर सरकार हम लोगों की मांगे पूरी नहीं करती है तो 20 दिसंबर को प्रयागराज स्थित शिक्षा निदेशालय पर धरना दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष भक्त राज राम त्रिपाठी ने कहा, साथियों अभी हमारी मांग पूरी हो, हमारी मांग पूरी हो, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर हम अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर के आज एक दिवसीय धरने पर हैं। अगर ये हमारी 11 सूत्री मांगें उत्तर प्रदेश शासन नहीं मानता है तो आगामी 20 दिसंबर से हम प्रयागराज की धरती पर अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर देंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन और हमारे विभाग के अधिकारियों की होगी। जी क्या मुख्य मांगे हैं 11 सूत्री? पहली मांग हमारी है कि जो हमारे एक कैंपस में विद्यालय स्थित हैं उनका सेवा नियमावली के विरुद्ध विलयन किया जा रहा है, जो सरासर तानाशाही का रवैया है। इससे हमारे 33,000 पद हेडमास्टरों के समाप्त हो जाएंगे, जिसका उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ घोर विरोध करता है। साथ ही हमारे साथी जो पदोन्नत प्राप्त करना है उनकी पदोन्नतियाँ जो है न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन हमारा विभाग निश्चित रूप से उस पर गंभीर नहीं है और उस पर उसको फाइनल नहीं करा रहा है, जिससे हमारे प्रदेश के लगभग 50,000 शिक्षकों की पदोन्नतियाँ बाधित हैं। तीसरा मांग है कि हमारे जो अंतर जनपदीय साथी आए हैं उनको सत्यापन के नाम पर उलझा करके वेतन नहीं दिया जा रहा है और उनका विभिन्न तरह से शोषण करने की व्यवस्था है, जिसका उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ घोर विरोध करता है और उत्तर प्रदेश शासन से मांग करता है कि अविलंब इनका वेतन निर्गत कराया जाए। तीसरी बात, चौथी बात हमारी है कि निश्चित रूप से हमारे जो साथी अंतर जनपदीय स्थानांतरण में आए हैं, 35,000 लोग फार्म भरे थे, 12,000 लोगों को उनको ये कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, शेष को छोड़ दिया गया, जबकि अब भी एक ही एका पूरे प्रदेश में अंतर जनपदीय स्थानांतरण हो रहे हैं। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश ये मांग करता है कि जितने साथी हमारे फार्म भरे थे उन सबको अंतर जनपदीय स्थानांतरण दे करके उनके जनपदों में निश्चित रूप से भेज दिया जाए, इसका भी व्यवस्था सरकार करे। ये सारी हमारे मांगे हैं, 11 सूत्री अन्य मांगे भी हमारी महत्वपूर्ण हैं जिसको लेके हम आज धरने पर हैं। अगला क्या रणनीति है? अगली हमारी रणनीति है कि आज हम 3 बजे जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। उसके बाद अगर हमारी मांगे 19 तारीख तक नहीं मानी गई तो 20 तारीख से हम प्रयागराज की धरती पर जो हमारे शिक्षा विभाग का मुख्य निदेशालय है धरना और प्रदर्शन अनवरत अनिश्चितकालीन प्रारंभ करेंगे। स्वतंत्र खेलकूद एवं विज्ञान पत्रकार संजय वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक सचिन तेंदुलकर बुक ऑफ रिकॉर्ड एवं इंडियन प्राउड का विमोचन समारोह का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के क्रीड़ा परिषद भवन के सभागार में किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पन्ने लाल के अलावा गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलसचिव सुरेश चंद्र शर्मा, शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर विनोद सिंह, क्रीड़ा परिसर के अध्यक्ष प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी, प्रोफेसर बी एन सिंह, डॉक्टर हर्ष सिन्हा, पुस्तक के लेखक संजय वर्मा सहित अन्य शिक्षक और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गोरखपुर विश्वविद्यालय के
कुल गीत से हुई। तत्पश्चात अतिथियों ने पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर लेखक संजय वर्मा ने क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर पर लिखे गए अपने पुस्तक पर प्रकाश डाला। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान पन्ने लाल यादव ने कहा, पुस्तक लिखी गई है, इनकी बहुत सी किताबें लिख रहे हैं। कोई किताब लिखने का पहला श्रेय श्री संजय डॉक्टर संजय वर्मा जी को जाता है, मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। एक खिलाड़ी के लिए लिखी हुई शायद उनकी कारण ये था कि मैं इसको ग्रेड के रूप में लिख रहा था, छोटा सा, कई बार छपा भी है। लिखते लिखते मुझे लगा कि शायद वर्ल्ड में इंडिया के लिए बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन हुए हैं, इस खिलाड़ी का कोई शाही नहीं है इस रिकॉर्ड के मामले में, जिसको मैं थोड़ा सा संक्षेप में चूंकि डाटा है पढ़ के ही बता देता हूँ। कितने रिकॉर्ड इनके नाम है अगर आप गौर करेंगे इस पर, दुनिया की सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 463 मैच, अंतर्राष्ट्रीय मैच 198 सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने और सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने, जिनका कुल विश्लेषण 8426 रन कुल एवं सर्वाधिक टेस्ट रन 15837 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड आज भी कायम है, जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर भाई। वह भारत के क्रिकेट जगत के सर्वोच्च खिलाड़ी हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, देश सम्मान करता है, दुनिया में उन्होंने नाम रोशन किया, इसके लिए संजय वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने यह किताब लिख करके बड़ा सम्मान दिया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश निर्देश पर जनपद शाखा द्वारा 5 सूत्रीय मांग को लेकर बुधवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में एक दिवसीय धरना दिया। धरने की अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में ग्रामीण सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पंचायत राज विभाग के संरक्षक अखंड प्रताप सिंह ने कहा, आपके घर के प्रदेश अध्यक्ष है तो आपको खुशी होना चाहिए कि मेरा भाई प्रदेश वाला नहीं है, वो अपनी मांगे मना कर रहेगा। इतना जिंदाबाद, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरी 5 सूत्री मांग है, मुख्य मांग मेरी है प्रमोशन, मेरे कर्मचारियों का 10 साल हो चुका है जो नियमतः प्रमोशन होना चाहिए। मैं मांग किया हूँ कि पंचायत सेक्रेटरी के पद पर हमारे कर्मचारियों का प्रमोशन हो, और डायरेक्टर द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया है कि ब्लॉक स्तर पर पर्यवेक्षक और जिला निरीक्षक का पद नया बना करके सफाई कर्मचारियों को उसमें प्रमोट किया जाए, मुख्य मांग मेरी ये है। दूसरी मांग मेरी सफाई कर्मचारी के पद पर परिवर्तित नाम का परिवर्तन करके सफाई कर्मचारियों का जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भी यह प्रस्ताव भेजा गया है सारे जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा कि इनका नाम परिवर्तित कर दिया जाए। और तीसरी मांग है सफाई कर्मचारियों के 10 वर्ष सेवा पूर्ण होने पर APC लगा दी जाए, जो सारे विभागों में लगती है हमारे विभाग में लगा दिया जाए। चौथा है पेरोल व्यवस्था समाप्त कर दी जाए, जब कोई भी सरकारी कर्मचारी पेरोल प्राइवेट कर्मचारी से प्राइवेट व्यक्ति से और चुने हुए व्यक्ति से 10 दिन मोर नहीं कराता तो सफाई कर्मचारी क्यों पेरोल प्रधान से लगवाता है, इसको समाप्त किया जाए। और पांचवी है पुरानी पेंशन बहाल की जाए, ये हमारी 5 सूत्रीय मांग है। भुगतान न मिलने पर जलकल विभाग में विभाग के सभी ठेकेदारों ने आवश्यक बैठक के बाद सभी कार्यों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया।
बुधवार को बैठक के बाद ठेकेदारों ने कहा कि भुगतान न होने की स्थिति में सभी ठेकेदार भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक किसी भी कार्य को कराया नहीं जाएगा। बैठक में राम सिंह यादव, विजय यादव, प्रदीप यादव, सुभाष, अन्य ठेकेदार उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जलटल विभाग के ठेकेदार विजय कुमार यादव ने कहा, आपका विजय कुमार यादव क्या है आप लोग का मांग, कहां से ठेकेदार हैं? हम लोग सर नगर निगम जलकल के ठेकेदार हैं। हम लोगों का इमरजेंसी वर्क होता है, जैसे पाइपलाइन मरम्मत, हैंडपम्प मरम्मत, सीवर चैम्बर मरम्मत, आदि कार्य, ट्यूबवेल मोटर पंप मरम्मत आदि कार्य किया जाता है, जो कि इमरजेंसी में किया जाता है तत्काल में। और बहुत सी पत्रावलियां ऐसी पड़ी हुई हैं जो काम करा करके पड़ी हुई हैं, उसका भुगतान अभी वो तो मान लीजिए कराया गया है, लेकिन इसके पहले कितना हम लोगों का भुगतान पड़ा हुआ लंबित है, और उसका भुगतान हम लोगों को जैसे मजदूरी, दुकान का, हर चीज़, अपना घर का सब कुछ मतलब इमरजेंसी में किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी भुगतान दिया नहीं जा रहा है। कितने ठेकेदार हैं जिनका भुगतान बताया और कितने राशि में है? करीब 30-35 ठेकेदार हैं। कितने अनुमान राशि होगी सभी मिला के? 1 करोड़ से ऊपर ही लगभग पड़ेगा। पेमेंट न मिलने के समय हम लोग जैसे कार्य को बंद किया गया है कि दीपावली में हम लोगों को किसी को 30, किसी को 50,000, किसी को ऐसे इस तरह दिया गया था, उसके बाद कोई भुगतान नहीं किया गया, वो भी 5 महीने के बाद किया गया था। तो हम लोग आर्थिक स्थिति इतनी हम लोगों की दयनीय हो गई है कि हम लोग आगे कार्य करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी लोग काम बंद किया जाए। तो उसके बाद अभी 2 दिन हुआ, 10 तारीख से, अब कुछ अभी जब तक कोई हम लोगों का निर्णय नहीं लिया जाता है, कोई आश्वासन नहीं दिया जाता कुछ नहीं तब तक। नगर निगम गेस्ट हाउस के बगल में बन रहे लाइट एंड साउंड फाउंटेन का बुधवार की शाम को नगर मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा ने जायजा लिया। नगर निगम की सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए बनाए जा रहे लाइट एंड साउंड फाउंटेन अपने अंतिम पड़ाव पर है। जल्द ही लाइट एंड साउंड फाउंटेन का कार्य पूरा हो जाएगा और महानगर वासियों के मनोरंजन का नया स्थल बनेगा। जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। कमिश्नर अमित गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंडलीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। बिना जिलाधिकारियों के अनुमोदन के RPS के टीम का वेतन आहरित किया गया तो मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का वेतन रोकने का दिया निर्देश। गोलघर में BSNL का कटा ऑप्टिकल फाइबर का मेन केबल, हजारों ब्रॉडबैंड उपभोक्ता परेशान, जिम्मेदार झाड़ रहे अपना पल्ला। महापौर की अध्यक्षता में आयोजित हुई नगर निगम कार्यकारिणी समिति की 5वीं बैठक, विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। राज्य स्तरीय रेत शिल्प प्रतियोगिता में जूनियर और सीनियर छात्र छात्राओं ने दिखाया हुनर, सरकार की योजनाओं और प्रदूषित हो रहे पर्यावरण बिंदुओं को रेत पर उकेरा। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा बहुओं और मेडिकल ऑफिसरों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया सम्मानित। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने नगर निगम के साथ मिलकर चलाया स्वच्छता अभियान, कहा जागरूक होंगे तभी हमारा शहर होगा साफ सुथरा। 11 सूत्रीय मांग को लेकर नरमू ने दिया धरना, कहा स्वच्छ भारत अभियान पर करोड़ों रुपए हो रहे हैं खर्च, लेकिन स्वच्छता अभियान से दूर है रेलवे।
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह ने विजयी प्रतिभागियों का कॉलेज में हुआ सम्मान। राष्ट्रपति के हाथों कॉलेज के एक शिक्षक और छात्रा को मिला था गोल्ड मेडल। 11 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीएसए कार्यालय के समक्ष दिया धरना, किया प्रदर्शन। मांगे पूरी नहीं होने पर 20 को प्रयागराज में धरना देने की दी चेतावनी। संजय वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक सचिन तेंदुलकर बुक ऑफ रिकॉर्ड एवं इंडियन प्राउड का हुआ विमोचन। पुरानी पेंशन बहाली सहित 5 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने दिया धरना। जलकल विभाग के ठेकेदार हुए लंबित, भुगतान न होने पर किया कार्य बहिष्कार, आपातकालीन स्थिति में ही करते हैं कार्य। और नगर निगम परिसर में बन रहे लाइट एंड साउंड फाउंटेन का नगर मजिस्ट्रेट और जॉइंट मजिस्ट्रेट ने लिया जायजा। महानगर वासियों के मनोरंजन का बन रहा नया स्थल। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।